भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म दिहाड़ा हलका आदमपुर के पिंड डरोली कलां विखे महला पत्ती जगीरपुर के श्री गुरु रविदास कम्यूनिटी हाल में बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम नाल मनाया गया। प्रोग्राम विच वख वख बुलारियां वल्लों बाबा साहेब जी की जीवनी अते संघर्ष बारे चर्चा की। छोटे बच्चियां वल्लों स्पीच डांस अते नाटकां राहीं अपनी हाजरी लगवाई। प्रोग्राम विच विशेष तौर पर आदमपुर के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली वल्लों शिरकत की। गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बूटा राम अते खजानजी डॉक्टर सोमनाथ ने आए हुए मेहमानों नूं सरोपा दे के सन्मानित किया। तुसी देख रहे हो आदमपुर तो खवासपुर टीवी की विशेष रिपोर्ट। गुलाम इस देश के अंदर लोग जिन्हों बराबरता के अधिकार नहीं सन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिख के सानू वो अधिकार लैके दिते जिहड़े हज़ारा सालों तो साडे इस मुल्क दे अंदर साडे तो समय के हुक्मराना ने वो अधिकार खोए सन। अज जरूरत की है, अज जरूरत है बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन तो बहुत कुछ सीखण दी। उस इंसान ने अपनी जिंदगी का एक एक पल समाज कौम के लेखे लाया है और सारी जिंदगी दुखा तकलीफा च रह के संघर्ष करते रहे। संघर्ष करन दा यही मतलब ते मकसद सी कि मैं जिस समाज के अंदर पैदा होया उस समाज गुलाम ते लाचार क्यों है, वो अपमानत भरी जिंदगी क्यों बतीत कर रहा। यही गुरुआ का सिद्धांत सी, गुरु नानक पातशाह का, गुरु अर्जन देव पातशाह का, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का। 14 अप्रैल में असी अंबेडकर साहब जी का जन्मदिन मना रहे हैं, मना के हटे हैं, मनाए जा रहे हैं और 14 तरीक में विसाखी का भी पवित्र दिहाड़ा से गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की सिरजना की। और उही गल जिहड़ी गुरु नानक पातशाह ने शुरू की सी, गुरु रविदास महाराज ने, कबीर साहब ने शुरू की सी कि इस मुल्क के अंदर ना बराबरी क्यों है, लोग बराबर क्यों नहीं है। बहुत जुल्म से गुरु नानक पातशाह ने जो हक सच की आवाज़ बुलंद की चक के बाबर ने जेलों च बंद कर दिता। गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती तवी से बिठा दिता जहांगीर के राज के अंदर, औरंगजेब के राज के अंदर हक सच की आवाज़ को बुलंद करने वाले गुरु तेग बहादुर पातशाह का सीस कलम कर दिता। और इस करके विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की सिरजना हुई सी कि जदों भी किसी जुल्म का मुकाबला करना, जदों भी किसी के उपर जुल्म होवे तां फिर मेरा खालसा जिहड़ा वो अगे आवे। यही सिद्धांत गुरुआ का उपदेश, गुरुआ की आइडियोलॉजी, गुरुआ की विचारधारा अंबेडकर साहब ने अगे तोरिया कि इस देश के अंदर जात पात ना होवे, छुआछात ना होवे, बैर विरोध ना होवे, सारे लोग इस मुल्क के अंदर बराबर भरी जिंदगी बतीत करन, किसी नाल कोई विचकरा ना होवे। माता का नाम सी भीमा अंबेडकर, पिंड भीमराव अंबेडकर। इन्होंने जो सेवा निभाई दसते हैं, जे डॉक्टर अंबेडकर जी ना आंदे असी गलियां दे कखां वांगू रुल जाना सी। इत्थे मुगल लोग आए अपनियां मर्जियां ही करके चले गए, साडे लोगों नूं कोई अधिकार नहीं मिलिया, तंग करिया करदे सी, अपनी मर्जी करिया करदे सी, ना सानू कदे गुरु घर ना कोई मंदिर विच ना लैण दा आर्डर सी। उस वेले फिर रविदास महाराज भी आए, उन्होंने भी ये गल कहती रब नू ऐसा चाहूं राज मैं मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संबसे ता रविदास रहे प्रसन्न। रब्बा मेरिया मैं ये सहन नहीं कर सकता जेड़े लोग मुगल लोग अपनियां मर्जियां करते आ, अत्याचार करते आ। संविधान साडा कॉन्स्टिट्यूशन ना हुंदा तां असी
वाहगुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज समूह डरोली कलां दीआं संगतां वल्लों बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की जयंती के संबंध में श्री गुरु रविदास लंगर हाल विखे अज समागम किया गया है, जिस विच बाहरों आए हुए बुलारिया ने बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के जीवन बारे सारिया ही संगतां नूं चानना पाई है। सो इस तरह हर साल की तरह इस साल भी साढ़े समागम विच श्री सुखविंदर सिंह जी कोटली, साढ़े सरपंच रिशपाल सिंह जी, साढ़े पंचायत मैंबर साहबान, साढ़े प्रधान बूटा राम जी, साढ़े होर कमेटी मैंबरस ने बहुत ही सहयोग दिता है, जिस विच बाहरों आए सारे ही बुलारियां का स्वागत किया गया है। उम्मीद करते हाँ, कामना करते हाँ इस तरह हर साल बाबा साहेब जी का जन्मदिन जो है श्रद्धा के अनुसार मनाया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।